गुड इवनिंग एवरीवन नमस्ते भैया नमस्ते एक बार आप लोग बता दो मेरी आवाज आ रही है वीडियो ऑडियो सब क्लियर है राइट right? बताओ वीडियो ऑडियो सब क्लियर है वॉइस क्लियर है ठीक है चलो बाकी लोग बाकी लोग को भी सुनाई दे रहा है बस एक ही लोग को सुनाई दे रहा है देखो अगर क्लास में कुछ बोलोगे ना तो मेरा भी थोड़ा मन करेगा बोलने का ठीक है आपसे ऐसे सिर्फ एक दो बच्चे बोलते रहते हैं बाकी मैं बाकी मैं बोलता हूँ बाकी एक दो बच्चे बोलते रहते हैं बाकी सब जैसे लगता मौसी की हाँ है मौसी के यहाँ बैठे रहते हो तो आराम से हाथ पांव तो बांध के देखो जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे ना आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी ठीक है तो जरूरी यह है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपरली इन्वॉल्व होना चाहिए राइट right? बाकी लोग और बाकी लोग तो बोल ही नहीं पाते बाकी और कैसे कोई ऐसा है जो बोल पता है हाँ अच्छी बात है अरे लेकिन जब मैं बोला करूं तब तो बोल दिया करो बाकी मत बोला करो जब मैं बोला करूं भाई बोलो तब तो बोल दिया करो ना आप तो बोलते हो कि बाकी मैं कह रहा हूं कि जब मैं बोला करूं अगर मान लो मेरा मन कह रहा अब सिंपल मैं अकेले ही तो खड़ा हूं यहां पे अगर मेरा गुड इवनिंग भैया अगर मेरा बात करने का भी मन थोड़ा है क्योंकि हमेशा से पढ़ाते थोड़ी रहेंगे आप भी बोर हो जाओगे राइट ठीक है तो अगर मैं जो है सिर्फ पढ़ाता रहूंगा तो आप भी वही बोर हो जागे इसलिए बीच बीच में अगर आप थोड़ा बहुत बोलोगे ना तो थोड़ा इंटरेक्शन भी आपसे मेरा होगा राइट ठीक है हम्म, बिल्कुल चलो फिर अब ठीक है अब ध्यान से सुनना ठीक है आज हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफेक्ट के बारे में ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग मुन्ना गुड इवनिंग अब ध्यान से समझने की कोशिश करना ठीक है ट्रांस इफेक्ट को ट्रांस इफेक्ट को या हम लोग ये देखेंगे इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड या इन लिगेंड राइट टू द ऑफ दबेंड प्रेजेंट ट्रांस टू मतलब सिंपल है कि जो स्पेक्टेटर लिगेंड है उसके ट्रांस में कोई लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो अरे भैया ऐसे थोड़ी मैं किसी को जानता हूं यार नाम थोड़ी नाम लिखे हुए वैसे थोड़ी जानता हूं मैं किसी को ठीक है राइट हाँ, फेस जरूर पता होगा राइट ठीक है फेस पता होगा अगर मिला होगा कभी तो फेस पता होगा ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं यार किसको बता दू मैं जानता हूं कि नहीं ठीक है चलो देखो राइट देखो हाँ बिल्कुल फेस अगर याद होगा जरूर पता होगा ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं थैंक यू ठीक है बस मैं ये चाहता हूं कि चीजें आप सीखो राइट अब आप ध्यान से सुनना होप फुली आप कुछ ना कुछ सीखोगे जरूर आज ठीक है इसलिए इतमान से बैठो पानी की बोतल वोटल साथ में रख लो राइट कहीं भागना नहीं इधर उधर भागना नहीं, नहीं मतलब है कि माइंड डाइवर्ट मत करना डाइवर्ट करोगे तो शायद आपको जो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा तो आपकी मेहनत तो जाया जाएगी मेरी मेहनत भी ज्यादा जाएगी ठीक है चलो अरे संदीप भैया स्टार्ट ही कर रहे हैं राइट ठीक है तुम लोग डिक्टेट क्यों करने लगते हो यार स्टार्ट करिए मतलब चलो देखो। देखो, देखो देखो संदीप चलो शुरू करते भैया तुम्हारी बात मान ली ठीक है देखो देखो इफेक्ट ऑफ लिगेंड या ऐसे बोल सकते हैं स्पेक्टेटर लिगेंड राइट स्पेक्टेटर लिगेंड एट द रेट ऑफ सब्सिट्यूशन ऑफ लिगेंड प्रेजेंट ट्रांस टू इट राइट या इसी को बोलते हो दैट इज इसको दो टर्न में हम लोग पढ़ते हैं एक होता है ट्रांस इफेक्ट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्रांस इन्फ्लुएंस तो दो टर्म में हम लोग पढ़ेंगे राइट पढ़ा रहे हैं भैया पढ़ा रहे हैं उस एक चैनल है ना यूट्यूब वाला उस पर देखो शाम को दस बजे क्लास होती है उस पर राइट संदीप ठीक है एक टीजीटी पीजीटी वाला है ना तो उस पे दस बजे क्लास होती है चलो देखो अब ठीक अब डाइवर्ट नहीं होता है इस पे ध्यान से देखते हैं देखो अब पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं ठीक है इसमें सिंपली हमें क्या देखना है देखो मैं बताता हूं हमारे पास मान लो हमारे पास ये पर्टिकुलर कोई सिस्टम है यहां पर एक लिगेंड लगा हुआ है यहां पर लिविंग ग्रुप है ये, ये है लिविंग ग्रुप राइट और यहां पर हमारा एल है यहां पर हमारा एल है मैं यहां पर अगर कोई भी लिगेंड वाई लाता हूं तो तो इस तो क्या बन जाएगा एम एल एल टी और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई ठीक अब देखो प्लस यहाँ पे क्या बन गया हमारा एक्स बन गया तो हमें इसका इफेक्ट देखना है ये हमारा लिविंग ग्रुप है इसके ट्रांस में जो हमारे पास यहाँ लिगेंड प्रेजेंट है ये जो स्पेक्टेटर लिगेंड हमारा यहाँ पे है हमें इसका इफेक्ट देखना है रेट पे स्पेक्टेटर लिगेंट जो है हमें इस स्पेक्टेटर लिगेंड का या इस इनर्ट का इफेक्ट देखना है इसके सब्सटीट्यूशन पे ये जो है इसकी सब्सटीट्यूशन को कितना बढ़ाता है कितना कम करता है ये कहने का मतलब है इसका substitution कितना बदलता है राइट तो सिंपल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हम जो तो अगला फैक्टर पढ़े वो क्या पढ़ रहे हैं लीविंग ग्रुप के ट्रांस में जो हमारा इनर्ट लिगेंड प्रेजेंट है उसका लीविंग ग्रुप के सब्सिट्यूशन पर उसकी रेट ऑफ सब्सिट्यूशन पर क्या फर्क पड़ता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड राइट ठीक है सुमित सर टीजीटी पीजीटी नाम है भैया ठीक है सुमित सर टीजीटी पीजीटी राइट सर्च करोगे आ जाएगा ठीक है देखो तो हमने हम सिंपली क्या पढ़ रहे हैं लीविंग ग्रुप के ये जो लीविंग ग्रुप है इसकी ट्रांस में जो हमारा लिगेंड प्रेजेंट है उसका इसके रेट ऑफ सबस्टिट्यूशन पर क्या फर्क पड़ेगा राइट चलो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इसी को बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट अब देखो जो ट्रांस इफेक्ट है ना उसको दो टर्म में पढ़ा जाता है ट्रांस इफेक्ट जो है एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना है ट्रांस इफेक्ट जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है एक पार्ट इसका होता है ट्रांस इन्फ्लुएंस, राइट या इसी को बोलते हैं समटाइम स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट क्या बोलते हैं स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट और दूसरे को ट्रांस इफेक्टिव बोलते हैं हम लोग बट इसका दूसरा नाम या सही नाम इसका जो है इसको बोलते हैं काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट काइनेटिक ट्रांस इफेक्ट मतलब सिंपल है कि जो लीविंग ग्रुप हटता है जो लीविंग ग्रुप के प्रेजेंस में हमारा लिगेंड है वो जो लीविंग ग्रुप को हटाता है उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस इफेक्ट तो जो हमारे पास स्पेक्टेटर लिगेंड का ट्रांस इफेक्ट है एक्चुअली उसमें दो फिनोमिना होता है एक प्रॉपर्टी एक फिनोमिना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांस इन्फ्लुएंस। और दूसरा हमारे पास क्या होता है ट्रांस इफेक्ट राइट अरे पढ़ा रहे काें परेशान हो मुन्ना मैं, मैं अगर बताओ मैं अगर नहीं बताना होता तो मैं नाम क्यों लिखता नाम अपने सर पे बोझ लेने के लिए लिखता क्या आप बिल्कुल जनता करो मैं सब कुछ बताऊंगा ठीक है डोंट वरी बिल्कुल आराम से सुनो बस जहां समझ में ना है, वो पूछना राइट right? देखो नागपुरी नागपुरी क्या खतरनाक नाम रखे हो भाई अरे नॉर्मल नाम रखा करो यार अपना तुम तुम लोग मतलब सही नाम रखा करो स्टूडेंट हो बताओ साइंस के स्टूडेंट हो अभी है ना साइंस पढ़ने वाले हो मतलब तो क्या ही बोलू मैं इधर देखो स्टेटिक ट्रांस इफेक्ट या कैनेटिक ट्रांस इफेक्ट ये जो है पहला वाला ये है थर्मोडाइनेमिक फिनोमिना ये क्या है है थर्मो डायनेमिक फिनोमिनन और यह क्या है यह है कैनेटिक फिनोमिन मतलब दो पैरामीटर ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो दो पैरामीटर का कॉम्बिनेशन है एक थर्मोडाइनमिक फिनोमिना है और दूसरा क्या है कैनेटिक फिनोमिना है कैनेटिक फिनोमिन कैनेटिक राइट right? जिसमें जब आप ट्रांसफेक्ट की बात करोगे ना अभी ओवरऑल ट्रांसफेक्ट में यह भी रोल प्ले करता है ये भी रोल प्ले करता है लेकिन जब आप दोनों की बात करोगे तो मेजर रोल इसका होता है मैं आपको समझाऊंगा इसका होता है मेजर रोल राइट रोल इसका भी होता है लेकिन इसका क्या होता है माइनर रोल मतलब अगर आप ओवरऑल ट्रांस इफेक्ट देखो तो होते दोनों पैरामीटर हैं ट्रांस इन्फ्लुएंस भी और कैनेडिक ट्रांस इफेक्ट भी देखो इसलिए मैंने लिखा है स्टैटिक है ये या इसी को थर्मोडानेमिक बोल सकते हो आप तो एक हो गया हमारे पास स्टेटिक ट्रांस इफेक्ट एक हमारे पास हो गया कैनेडिक ट्रांस इफेक्ट राइट दोनों के दोनों का रोल होता है जब कभी भी आप किसी भी लिविंग ग्रुप का जो रेट होता है हटने का उसको जब आप डिसाइड करते हो तो राइट दोनों का रोल होता है इसका भी रोल होता है इसका भी रोल होता है लेकिन मेजर रोल इसका होता है और इसका रोल क्या होता है माइनर ठीक मैं आपको समझाऊंगा कि इसका मेजर रोल कैसे इसका माइनर रोल कैसे तो एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांस इन्फ्लुएंस के बारे में ठीक है चलो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रांस इन्फ्लुएंस ट्रांस इन्फ्लुएंस या स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट देखो ये डायनेमिक फिनोमिना है तो पहला पॉइंट ये लिख लेना इट इज थर्मो फिनोमिनन फिनोमिन इट इज थर्मोडाइनेमिक फिनोमिन देखो ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या करता है ध्यान सुनो ट्रांस इन्फ्लुएंस रिलेटेड किससे है ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो जब भी मैं थर्मोडाइनमिक टर्म यूज करता हूं तो हम किसकी बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी की जब भी हम कैनेटिक नाम यूज करते हैं हम किसकी बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की या फिर हम लोग बात करते हैं कि सिस्टम में रेट कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा या सिंपल थर्मोडानेमिक का मतलब बॉन्ड एनर्जी के टर्म में बात करेंगे बॉन्ड एनर्जी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे और जब भी कैनेटिक मैं वोट बोलूंगा वहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे ये बात तो क्लियर है ये हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं थर्मोडाइनमिक पैरामीटर क्या होता है बॉन्ड एनर्जी पैरामीटर क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी राइट तो क्योंकि ये थर्मोडाइनमिक फिनोमुना है इसका मतलब ये किससे रिलेटेड है ये बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है राइट इट इज रिलेटेड विद इट इज रिलेटेड विद बॉन्ड एनर्जी ऑफ लिविंग ग्रुप इन ग्राउंड स्टेट ग्राउंड स्टेट राइट अब देखो ट्रांस इन्फ्लुएंस ये थर्मोडाइनमिक फिनोमेना है और किससे रिलेटेड है ये बॉन्ड एनर्जी से और बॉन्ड एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है अब ये सब अगर आपको बताना पड़े ये कैसी प्रॉपर्टी है थर्मो प्रॉपर्टी है थर्मो डायनेमिक प्रॉपर्टी अब ये समझ में आया थर्मोडाइनमिक फिनोमेना क्यों है, क्युं है? ये क्योंकि ये थर्मोडाइनेमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है राइट right? इसको थर्मोडाइनमिक क्यों बोल रहे हैं बिकॉज इट इज रिलेटेड टू बॉन्ड एनर्जी ये थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कितनी बात समझ में आ रही है अच्छा ठीक है ठीक है भैया इट इज रिलेटेड टू थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टी ठीक चलो आगे देखो देखो इधर ध्यान से ये करता क्या है देखो ट्रांस कैसे लिखता है ट्रांस इन्फ्लुएंस ट्रांस इन्फ्लुएंस लीड्स टू वीकनिंग ऑफ बॉन्ड दैट इज बॉन्ड वीकनिंग का मतलब दैट इज रिडक्शन इन बॉन्ड एनर्जी रिडक्शन इन बॉन्ड एनर्जी Of leaving group, leaving group in ground state, in ground state. अब समझो स्टेटमेंट जो मैंने लिखना था लिख दिया अब ध्यान से देखो इधर समझो इधर देखो अभी दिख रहा है ना आपको लेटर ये अभी ठीक है या इससे भी बड़ा लिखना है बताओ ये ठीक है ना ये ठीक है इससे भी बड़ा लिखना है संदीप बताओ हो जाएगा ना दिख रहा है ठीक से बोल लो भैया हो जाएगा ना ठीक है देखो अब ध्यान से सुनो लिखना कुछ मत बस जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो बोर्ड पे देखो कॉपी पेन मत चलाना कुछ भी देखो इधर मैं एग्जांपल लेता हूं ध्यान सुनो ट्रांस इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है देखो इधर मैं यहां पर एक एक मेटल लेता हूं यहां पर लिगेंड लेता हूं दो यहां पर एक्स है ये टी है तो देखो अगर जो है हमारा ये टी ध्यान से देखना अगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग करेगा राइट क्या ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग अगर करेगा जितना स्ट्रोंगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग करेगा उतना ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक और इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है नॉर्मल मालिक्यूल अगर आपका ग्राउंड स्टेट में है अगर इस लिगेंड के ट्रांस में कोई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके पास स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्डिंग पावर है कि बॉन्ड कमजोर हो जाएगा कैसे वो समझो देखो आपको पता है कि ये कोई भी मान लो आप चाहे आप चाहे इसको मान लो इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं ठीक है यहां पे मान लेते हैं हम लोग ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस है और आपको पता है कि अगर इसको एक्स मानोगे तो इस एक्सिस पे दोनों लोग हैं भाई ट्रांस होगा तो अगर ये एस एक्सिस है तो इसपे हमारा लिविंग ग्रुप भी होगा और हमारा ये जो ट्रांस डायरेक्टिंग लिगेंड ट्रांस मिलिगेंड ये भी होगा तो जो ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगी उसका कंट्रीब्यूशन इधर भी होगा इससे ओवरलैपिंग में और उसका कंट्रीब्यूशन इधर भी होगा मतलब अगर आप एक्स पे मानते हो ऑर्बिटल जो सिग्मा बनाएगी कौन सी होती है वो px और dx2y2 तो बताओ अगर दोनों के दोनों लिगेंड क्योंकि ट्रांस होंगे तो एक ही एक्सिस पे होंगे

तो जो पी एक्स ऑर्बिटल होगी वो भी दोनों की तरफ कंट्रीब्यूट करेगी जो कंट्रीब्यूट करेगी अगर एक तो कंट्रीब्यूशन तो दोनों के लिए होगा ना एक्स के लिए भी होगा और टी के लिए भी होगा सही बात है कि नहीं बताओ पहले बताओ इतनी बात है अगर दो लिगेंड सेम एक्सिस प्रेजेंट है तो उस एक्सिस पे प्रेजेंट जो भी ऑर्बिटल होगी उसका कंट्रीब्यूशन दोनों के लिए होगा ना या किसी एक के लिए होगा सिर्फ अगर मैं इसको जेड मान लेता मान 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 लो इसको मैं ले मैं लेता लेता अगर तो यहाँ पे कौन सी रूट होती है पीजेड और डीजेड स्क्वायर इसका भी कंट्रीब्यूशन दोनों के लिए होता इसके लिए भी होता इसके लिए भी होता ये बात समझ में आ रही कि नहीं पहले बताओ अगर एक ही एक्सिस पे दो लिगेंड हैं, ट्रांस का मतलब एक ही एक्सिस पे होंगे तो उनकी बॉन्डिंग में उस एक्सिस पे जो भी ऑर्बिटल होगी उसका कंट्रीब्यूशन होगा कि नहीं अलग अलग ऑर्बिटल नहीं जैसे देखो अगर मान लो पीएक्स होगा तो होगा उसी एक्सिस पे ना अगर डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा होगा उसी एक्सिस पे ना तो ये तो आप नहीं बोल सकते ना कि डीएक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का इससे इंट्रक्शन होगा इससे नहीं होगा ये भी नहीं बोल सकते आपकी पीएक्स का इससे इंट्रक्शन होगा इससे नहीं होगा होगा तो दोनों से क्योंकि एक्सिस तो सेम ही है राइट अरे खुद से सोचो एक बात बताओ मुझे एक सड़क पे आप चल रहे हो ध्यान सुनो मेरी बात इधर सुनो ध्यान से एक सड़क है सीधी ठीक है एक पर्सन उधर आ रहा है उधर से आ रहा है एक पर्सन इधर से आ रहा है अब अगर एक ही सड़क है उसी पे दोनों खड़े हैं तो क्या दोनों का इंड्रक्शन होगा कि नहीं क्या उसका दो इंड्रक्शन होगा कि नहीं बिल्कुल होगा यहां भी तो वही है कि एक्सिस तो सेम ही होगी ना भाई एक्स मान लोगे

हाँ, समझ में आया ठीक है, है अगर एक ही एक्सिस पे दो लोग हैं तो इस एक्सिस पे जो भी ऑर्बिटल होगी उनका कंट्रीब्यूशन दोनों के लिए होगा ये थोड़ी बहुत उल्टा घूम जाएगा कि एक्सिस तो सेम ही है ना इसकी अब ध्यान से देखो समझने की कोशिश करना देखो अगर दोनों के लिए कंट्रीब्यूशन है और ये बॉन्ड क्या है स्ट्रॉन्गर अगर ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है स्ट्रॉन्गर क्यों क्योंकि मैं बोला हूं अगर ये क्या है स्ट्रांग सिग्मा डोनर या गुड सिग्मा डोनर है स्ट्रॉन्ग सिग्मा डोनर है तो ये इंट्रक्शन क्या होगा स्ट्रॉन्गर तो जो ऑर्बिटल इधर बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रही है ध्यान सुनना मेरी बात जो ऑर्बिटल इधर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रही है उसका मेजर पार्ट इधर की तरफ आ जाएगा मेजर कंट्रीब्यूशन किधर आ जाएगा इधर की तरफ आ जाएगा इधर जो ऑर्बिटल इसी एक्सिस वाली ऑर्बिटल इधर क्या आ जाएगा उसका माइनर कंट्रीब्यूशन भी करना, भी करना है, एक बंदे को दो लोगों से इंटरेक्शन करना अब अगर एक तरफ वो इंटरेक्शन ज्यादा करेगा तो उसका झुकाव उधर बढ़ जाएगा कि नहीं अगर उधर की तरफ झुकाव उसका बढ़ गया तो इसका मतलब दूसरी की तरफ उसका इंटरेक्शन कम होगा कि नहीं अगर इधर की तरफ इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो ऑर्बिटल का जो कंट्रीब्यूशन है

आदमी कोई भी पर्सन हो चाहे वो कोई भी हो एक तरफ झुकाव जैसे बढ़ेगा दूसरी तरफ झुकाव क्या हो जाएगा अपने आप कम यहां पे वही तो है कि एक तरफ अगर ये प्रॉपर इससे करना शुरू कर देगा क्योंकि बढ़िया डोनर है तो इधर जो लीविंग ग्रुप है इधर माइनर कंट्रीब्यूशन होगा होगा तो ये जो बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक हो जाएगा बॉन्ड ये बॉन्ड क्या हो जाएगा वीक वीक हो जाएगा कि नहीं राइट तो यही जो बॉन्ड वीक हुआ है अब देखो यहां से अगर बॉन्ड बीक हो गया यह बॉन्ड क्या हो जाएगा बीक बॉन्ड हो गया ये बीक बॉन्ड हो गया तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी लेस बॉन्ड एनर्जी तो ये जो इसका इफेक्ट है वो किस पे हो रहा है बॉन्ड एनर्जी पे अब बॉन्ड एनर्जी कौन सा पैरामीटर है थर्मोडायनेमिक ठीक है और अगर ये बॉन्ड बीक हो जाएगा देखो क्या क्या होगा ध्यान सुनो अगर बॉन्ड बीक होगा तो क्या होगा बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है आप अगर आईआर पढ़े हो तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज कर जाएगी हो जाएगा कि नहीं ऐसा हो जाएगा ना सेम यहां पर वही है और इसी को जो बॉन्ड यहाँ बीक हो रहा है इसी को बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है इस इस फिनन को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ट्रांस इन्फ्लुएंस इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इसी को बोलते हैं ट्रांस इन्फ्लुएंस ट्रांस इन्फ्लुएंस सिंपली कुछ नहीं है ये सिंपल क्या है ये ग्राउंड स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में जो हमारे पास ट्रांस वाला सिस्टम है वो लिविंग ग्रुप के बॉन्ड को कमजोर कर देता है और ये हमेशा होगा आप चाहे कोई न्यूक्लियोफाइल ले आओ चाहे मत ले आओ भाई इसको न्यूक्लियोफाइल से क्या मतलब है इनकमिंग लिगेंड चाहे लाओ चाहे नहीं लाओ ये हमेशा आपका फिक्स रहेगा इसीलिए इसको स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट भी बोलते हैं अस्थाई है ये इसको क्या किसी से मतलब है कोई आए ना आए क्या फर्क पड़ता है इसको ये तो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो बॉन्ड को वीक करेगा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं करेगा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा ना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा भैया बॉन्ड ऑर्डर कहां बढ़ेगा यार बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब क्या है बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया डिक्रीज कर गया राइट right? तो ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या है ट्रांस इन्फ्लुएंस सिंपली चेंजेस या द बॉन्ड एनर्जी ऑफ लिविंग ग्रुप इन ग्राउंड स्टेट राइट ग्राउंड स्टेट में ये और ये और हमेशा रहेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की जरूरत इसको है नहीं कोई सिस्टम इसको मतलब नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट भी बोलते हैं ठीक है तो ट्रांस इन्फ्लुएंस क्या करता है देखो ट्रांस इफेक्ट एक मेजर टर्म है राइट right? जैसे सरकार सरकार एक मेजर टर्म है सरकार के अंदर गृह मंत्री हो गए फाइनेंस मिनिस्टर हो गए राइट रक्षा मंत्री हो गए लेकिन वो है तो सब सरकार के पार्टी ना राइट तो कुल मिला के एक ही लेकिन गृह मंत्री का कंट्रीब्यूशन गृह को संभालना होता है फॉरेन मिनिस्टर का कंट्रीब्यूशन फॉरेन को संभालना होता है राइट डिफेंस का मतलब होता है डिफेंस को संभालना होता है यहाँ पे ट्रांस इफेक्ट एक मेजर टर्म है उसके अंदर एक टर्म होता है ट्रांस इन्फ्लुएंस जिसको हम स्टैटिक ट्रांस इफेक्ट बोलते हैं और दूसरा होता है एक ट्रांस इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कैनेटिक तो एक जो होता है एक्टिवेशन एनर्जी पे असर डालता है या एक्टिवेशन एनर्जी या ट्रांजिशन स्टेट पे असर डालता है दूसरा जो होता है ग्राउंड स्टेट पे असर डालता है ठीक है राइट right? तो देखो अब एक चीज समझो यहां पे देखो ट्रांस इन्फ्लुएंस से हुआ क्या ट्रांस इन्फ्लुएंस से देखो अब समझो इसका क्या रोल है रेट में यहां पर मेटल है तो ट्रांस क्या हुआ? ये बॉन्ड क्या हो गया वीक अगर ये बॉन्ड वीक हो गया वीक हो गया बॉन्ड तो ये क्या हो जाएगा रिमूवेबल इसका मतलब क्या हो जाएगा फास्ट इसका मतलब जो आप पढ़ते हो ना कि ट्रांस वाला अपने लीविंग ग्रुप को जल्दी हटा देता है उसमें इसका भी रोल है राइट गुड इवनिंग भैया गुड इवनिंग तो ट्रांस इंफ्लुएंस भी एक तरह से ट्रांस का पार्ट ही है बट इसका असर कहां होता है ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड एनर्जी पे राइट और ये भी एक तरह से क्या करता है सब्सटीट्यूशन की रेट को बढ़ाता ही है राइट ठीक है अच्छा यार ये पता नहीं कैसे हो जाता है ये हो जाएगा वीक बॉन्ड राइट अगर वीक हो गया तो क्या हो जाएगा इजिली रिमूवेबल जल्दी से हट जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा फास्ट सब्सटीट्यूशन तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रांस इफेक्ट कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है ट्रांस इन्फ्लुएंस कुल मिला के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता ही है ऐसा तो अच्छा मैं लिख सकता हूं ना कि ट्रांस इन्फ्लुएंस ट्रांस इन्फ्लुएंस ऑल्सो इंक्रीजेज रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ठीक है राइट right? हां बढ़िया गुड नोट्स बनाओ साथ में ठीक है भैया तो बेसिक पे तो इसके लिए फिर आपको बेसिक पहले पता होना चाहिए मुन्ना ठीक है तो कुल मिला के ट्रांस इन्फ्लुएंस भी ये सिर्फ फर्क इतना है कि ट्रांस स्ट्रेंथ को कमजोर कर रहा है, है। आप आप तो पार्ट है इसका काम क्या है ये जो लिविंग ग्रुप हमारा है उसके बॉन्ड को कमजोर करना जिसकी वजह से जो रेट रिएक्शन होगी या जो लिविंग ग्रुप का रिमूवल होगा वो क्या हो जाएगा फास्ट तो कुल मिला के ये भी रेट को बढ़ा ही रहा है ठीक है समझ गए तो यह भी रेट को इंक्रीज कर रहा है राइट right? अब जितना ज्यादा ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर होगी किसी भी की, वो ग्राउंड स्टेट की बॉन्ड लेंथ को उतना ही कमजोर करेगा ग्राउंड स्टेट की बॉन्ड लेंथ को जितना कमजोर करेगा वो बॉन्ड उतना जल्दी से ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड जितना जल्दी से ब्रेक हो जाएगा रेट ऑफ सस्टिट्यूशन उतनी क्या हो जाएगी फास्ट बिल्कुल बिल्कुल सही बात ट्रांस इन्फ्लुएंस बॉन्ड इंफ्लुएंसो रेट इंक्रीजेस ये भी रेट को बढ़ा देखो जो कैनेटिक ट्रांस इफेक्ट है वो भी रेट को बढ़ाता है जो ये ट्रांस इन्फ्लुएंस है ये भी रेट को बढ़ाता है दोनों रेट को ही बढ़ा रहे हैं क्योंकि है तो ट्रांस इफेक्ट का पार्टी ना हाँ बिल्कुल रेट जो है वो क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी ये भी एक तरह से रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है लेकिन कैसे रेट को बढ़ाने का काम कर रहा है ये ये ट्रांजिशन स्टेट पे कोई असर नहीं डाल रहा है ये क्या कर रहा है ये ग्राउंड स्टेट पे असर डाल रहा है बस इंपॉर्टेंट यही है ये ट्रांजिशन स्टेट पर कोई असर नहीं डाल रहा है ये इंटरमीडिएट पर कोई असर नहीं डाल रहा है ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड को कमजोर कर रहा है ये ध्यान रखना ठीक है राइट right? ये क्या कर रहा है ये ग्राउंड स्टेट में असर डाल रहा है ये ट्रांजिशन स्टेट में कोई असर नहीं डाल रहा तो इसको मैं लिख देता हूं ट्रांस इन्फ्लुएंस ट्रांस इंफ्लुएंस हैज इफेक्ट ऑन ग्राउंड स्टेट नॉट ऑन ट्रांजिशन स्टेट ये ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड को कमजोर कर रहा ठीक है बट रेट तो उससे भी बढ़ेगा क्योंकि बॉन्ड को कमजोर करेगा तो रेट बढ़ेगा यह ध्यान रखना यही मेन डिफरेंस है कैनेटिक ट्रांस इफेक्ट में और ट्रांस इन्फ्लुएंस में यही मेन डिफरेंस है समझ गए ये बात बताओ ट्रांस इन्फ्लुएंस को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई अगर कुछ है तो पूछो आप एक लार्जर टर्म है ट्रांस इफेक्ट उसका एक छोटा पार्ट है ट्रांस इन्फ्लुएंस उसका एक दूसरा छोटा पार्ट है कैनेटिक ट्रांस इफेक्ट जो ट्रांस इन्फ्लुएंस है ये ग्राउंड स्टेट पे असर डालता है इसका काम क्या है ये क्या करता है

ऐसा जो मालिक्यूल लेके आते हो ना मान लो प्लेटिनम का पीटीसीएल फोर टू माइनस ले उसकी बात मैं कर रहा हूँ ठीक है ठीक right? है ना अरे ग्राउंड स्टेट का मतलब नॉर्मल मालिक्यूल की बात मैं कर रहा हूं बिना रिएक्शन किए ग्राउंड स्टेट का मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं आया नॉर्मल स्टेट में है वो किसी से इंटरेक्शन नहीं किया ठीक चलो अब देखो यहां पे लिखते हैं अब यहां एक चीज में लिख सकता हूं ना कि स्ट्रॉन्गर द ट्रांस इंफ्लुएंस पावर स्ट्रॉन्गर द ट्रांस इंफ्लुएंस पावर ऑफ लिगेंड पावर ऑफ लिगेंड बीकर विल बी बीकर विल बी एस बीकर द बॉन्ड ऑफ लिविंग ग्रुप लिविंग ग्रुप ऐसे leaving group. Leaving group. बोल सकते हैं लार्जर द बॉन्ड लेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप लार्जर द बॉन्ड लेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप ऐसे बोल सकते हैं स्मॉलर द्रिक्वेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप सबका मतलब एक ही है स्मॉलर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप तीनों का मतलब सेम है किसी भी लिगेंड की जितनी ट्रांस इंफ्लुएंस पावर होगी उसके ट्रांस में जो भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा उसका बॉन्ड उतना क्या होगा लॉन्गर उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी क्या होगी ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी कम राइट right? उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी उतनी कम हाँ बीकर द बॉन्ड लार्जर द बॉन्ड लेंथ स्मॉलर द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप को रिलेट कर लोगे ना तो अगर हमें लिगेंड की ट्रांस इंफ्लुएंस पावर पता है देन वी कैन प्रिडिक्ट द बॉन्ड लेंथ ऑफ लेविंग ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप बॉन्ड एनर्जी ऑफ लिविंग ग्रुप स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप राइट right? नहीं बाकी पे होता है यहां पे ज्यादा होता है ठीक है पढ़ाया तो है एसिड एसी, एसी डायडोलिस पढ़े होगी नहीं ऐसी डायडोलिस पढ़े होगी नहीं उसमें पढ़ना ऑक्टाडल में भी होता है ट्रांस इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है इसपे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है इसलिए इसके बारे में पढ़ते हैं ठीक है हाँ अब देखो मैं यहां पे लिखता हूं ट्रांस इंफ्लुएंस सीरीज देखो ट्रांस इंफ्लुएंस सीरीज ये होती है एच माइनस पी आर थ्री एच सी एन माइनस सी एन आई राइट सी ओ सी टू एच फाइव उसके बाद यहां पर बी आर माइनस सी एल माइनस एस थ्री और ओ एच जैसे ट्रांस इफेक्ट सीरीज होती है ना वैसे इसको क्या बोलते हैं यह है ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज इसको ध्यान रखना आप इसके पास क्या है सबसे ज्यादा हाईएस्ट ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर हाईएस्ट ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर इसके पास क्या है लोएस्ट ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर ठीक है ये ध्यान रखना आगे आएगा बेटा डोंट वरी अगर अच्छा सिग्मा डोनर नहीं होगा तो आगे आएगा कहा परेशान हो अभी आएगा ठीक है अच्छा सिग्मा डोनर नहीं हुआ तो अच्छा अगर अच्छा सिग्मा डोनर नहीं हुआ तो इसका मतलब ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा अगर अच्छा सिग्मा डोनर नहीं हुआ इसका मतलब है वो उस बॉन्ड को ज्यादा वीक नहीं करेगा अगर ज्यादा वीक नहीं करेगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा वो ठीक है राइट फिर आप पूछ सकते हो कि अच्छा पाइक सिप्टर हो गया तो क्या होगा

तो जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा जो ओवरऑल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होगा दोनों को मिला के बताया जाता है ठीक है याद हो जाए तो अच्छी बात है बाकी खुद से देखो खुद से सोचो अच्छा सिग्मा डोनर कौन होगा इसमें भाई अच्छा सिग्मा डोनर वो होता है जिसके पास ध्यान सुनो अच्छा सिग्मा डोनर वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो अच्छा सिग्मा डोनर वो होता है जो बढ़िया ओवरलैपिंग करे अब अगर आप प्लेटिनम क्योंकि रिएक्शन प्लेटिनम के साथ कराते हैं तो अच्छा सिग्मा डोनर वो होगा जो सॉफ्ट होगा क्या क्या ध्यान रखना होता है आपको देखो गुड सिग्मा डोनर कैसे कैसे हो सकता है अगर आपको ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर वैसे रटना नहीं है ये अगर आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे समझ जाओगे ट्रांस इंफ्लुएंस पावर के लिए क्या जरूरी है गुड सिग्मा डोनर राइट ठीक अब देखो ये सिग्मा डोनर इस पर भी डिपेंड करेगा कि मेटल क्या लेते हो आप ध्यान से मेरी बात समझना मेटल हम मेनली क्या लेते हैं रिएक्शन जो करवाते हैं किस पे करवाते हैं प्लेटिनम पे प्लेटिनम कैसा सेंटर है सॉफ्ट सेंटर है तो आप ये भी ध्यान रखना कि इंट्रक्शन कौन अच्छा करेगा तो देखो गुड सिग्मा डोनर के लिए क्या चाहिए पहली कंडीशन गुड सिग्मा डोनर के लिए पहली कंडीशन क्या चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा सिग्मा डोनर होगा राइट, right. दूसरा जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा राइट मोर नेगेटिव चार्ज और सॉफ्ट कैरेक्टर और एक चीज लिख सकते हो गुड ओवरलैपिंग जिनमें आप सॉफ्ट कैरेक्टर पे जरूर ध्यान देना क्योंकि

तो इसमें आपको मल्टीपल फैक्टर आपको ये भी देखना किस सेंटर के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो फिर उस पर तो तो देखो H माइनस लार्जेस्ट साइज है नेगेटिव चार्ज है अच्छा हो गया PR3 में जो फॉसफोरस है वो सॉफ्ट सेंटर है राइट उसके बाद जब आप आगे जाओगे एच में सल्फर है वो भी सॉफ्ट सेंटर है फिर आगे जाओगे आप CN माइनस कार्बन सॉफ्ट सेंटर आई माइनस वो भी सॉफ्ट सेंटर सीओ में कार्बन वो भी सॉफ्ट सेंटर right? उसके बाद फिर और लास्ट OH में क्यों आया? हार्ड सेंटर है और ऑक्सीजन उससे भी ज़्यादा हार्ड ठीक है तो अगर आप थोड़ा सा थोड़ा सा को रखोगे ना, तो आपको हो जाएगी. अब देखो सीरीज से कंक्लूजन क्या निकलता है अब देखो मैं आपको यहां पे समझाता हूं हमारे पास PT यहां पर एच है यहां पे Cl है यहां पे Cl है यहां पे Cl दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं पी टी यहां पर पी आर थ्री है राइट यहां पे यह लेता हूं यहां पे ले लेता हूं मैं आई माइनस यहां पे लेता हूं सी टू एच फोर ध्यान देखो सी टू एच फोर इधर सी एल इधर CL इधर CL इधर टू माइनस इधर टू माइनस कंपेयर करना है आपको देखो इधर अगर मैं आपसे बोलूं हमारे पास इस PtCl की बॉन्ड लेंथ ए है और इस पीटीसीएल की बॉन्ड लेंथ बी है तो बताओ ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होगा कौन सी बॉन्डलैंथ ज्यादा होगी और न्यू पीटीसीएल कौन से पीटीसीएल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी क्वेश्चन ऐसे आएगा इससे आपको लिगेंड दे के पूछेगा बताइए आपके पास एक में ट्रांस में क्या इधर ट्रांस में क्या सीएल के इधर ट्रांस में है हाइड्रोजन इधर ट्रांस में क्या है सी टू एच फोर राइट अब आपको देखना है कि कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा या कौन से बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होगी क्या देखना आपको ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर क्या देखना आपको ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर देखो इधर ध्यान से बताओ H और सी टू एच फाइव में पीछे देखो सीरीज में ये है ऑर्डर ये है ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर का ऑर्डर तो कौन सा बॉन्ड वीक होगा ये वाला ये मोर ये क्या होगा लेस वीकर तो बॉन्डलैंड कॉर्डर क्या लिखोगे बताओ बाकी लोग लोग बताओ 20 लो क्लास में हो बाकी लोग बताओ बॉन्डलैन क्या होगा जिसकी ट्रांस इनफ्लुएंस पावर ज्यादा उसके ट्रांस वाला बॉन्ड क्या होगा लॉन्गर जिसकी ट्रांस इंफ्लुएंस पावर कम उसके ट्रांस वाला बॉन्ड क्या होगा शॉर्टर राइट right? तो कौन सी बॉन्डलाइन ज्यादा होगी ये बॉन्डलाइन ज्यादा होगी ये कम होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, उल्टा. Bond, किस पे करता है? पे. तो स्ट्रेंथ हो तो क्या होगी कमी होगी ना तो आप लिखोगे सेंटीमीटर ले लेता हूं मैं तो ऑर्डर क्या होगा बी में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे क्या होगी ज्यादा होगी तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ठीक है ऐसे चार आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा आपसे पूछेगा बताओ भैया इनमें से स्ट्रचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या है बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकता है आपसे अगर आपसे पूछू मैं कि ए और बी में बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर क्या लिखोगे आप बॉन्ड एनर्जी कौन से वाले बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी इस वाले पीटीसीएल की कि इस वाले पीटीसीएल की जो बॉन्ड कम बीकर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी ज्यादा तो बी वाले की बॉन्ड एनर्जी ए से क्या होगी ज्यादा ये पैरामीटर पे सवाल आपसे पूछ सकते हैं किसी को कोई भी डाउट अगर इसमें अभी तक आए तो आप उसे पूछिए आपको क्या समझ में नहीं आया जितना अच्छा ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर जितना अच्छा सिग्मा डोनेशन पावर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को देगा उतना ही ज्यादा सामने वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा कितना कमजोर होगा सब्स्टिट्यूशन की रेट उतनी क्या हो सकती है ज्यादा ठीक है तो अब एक चीज दिमाग में बैठा लो अब ये मत सोचो कि क्वेश्चन जो है सिर्फ वही आएगा कि सी का ट्रांस इफेक्ट से ज्यादा तो ये अगला कंपाउंड करो अगला सिंथेसाइज़ करो, करो नहीं अब स्टैंडर्ड धीरे धीरे पेपर का बढ़ेगा ठीक है तो आपको ये सब चीजें भी आनी चाहिए अभी तो आपको सिर्फ यहां पे ये किस में पढ़ते हो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस में पढ़ते हो आईआर में ना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात किस में करते हो आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना यस yes या नो बोलो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात किस में करते हो आप आईआर में ना आपसे एनएमआर डेटा भी पूछ लेगा इसी में से आपसे पूछेगा बताओ एनएमआर का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं देखो आपसे ऐसे ही ट्रांसइंफ्लुएंस पावर देके आपसे एनएमआर के बारे में पूछ लेगा देखो तो ध्यान सुनो आपसे इस ट्रांस इंफ्लुएंस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ सकता है बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर पूछ सकता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर पूछ सकता है आपसे एनएमआर में भी ले जाएगा आपको क्वेश्चन ठीक है देखो इधर मुझे देखना पड़ेगा इसमें लिखा है ठीक है देखो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स हमारे पास है ट्रांस पी टी एक्स एच पीईटी थ्राइज ये है हमारे पास कॉम्प्लेक्स ठीक है इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं आप बिल्कुल हड़बड़ी मत करो अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप बाकी तरह क्वेश्चन कर सकते हो ठीक है और बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि अब नेट में क्वेश्चन इन्हीं सब लेवल पे जाएगा धीरे धीरे वो वो आपके इनऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी को ऐड करेगा ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में स्पेक्ट्रोस्कोपी तो खैर पहले से भी आती थी ठीक देखो इसका मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ ऐसे ही है पी टी एच यहां लिखता हूं मैं देखो पी टी इधर लिखता हूं मैं एक्स इधर लिखता हूं मैं एच ट्रांस यही होगा ना इटी थ्राइज पीई टी थ्राइज यहां पर एक्स आपका दिया है आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस सी एन माइनस पहला क्वेश्चन क्या आएगा इससे देखो पहला क्वेश्चन ये है कि आप बताओ पीटी हाइड्रोजन का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर क्या होगा सेंटीमीटर इनवर्स में कौन से लिगेंड के लिए पीटीएच का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगा सबसे ज्यादा होगा और कौन सी लिगेंड के लिए इसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है किसके रिस्पेक्ट में X के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है बताओ इस बॉन्ड का ये बॉन्ड जो है इस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किस X की प्रेजेंस में ज्यादा होगी और किस X की प्रेजेंस में कम होगी सवाल समझ रहे हो ना यहां पर एक्स आपको दिया एक बार आई है एक बार बी आर एक बार सी एल एक बार सी एन माइनस है किस लिगेंड की प्रेजेंस में इसकी स्टिचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी तो आपको क्या बताना चाहिए ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज ये पता होना चाहिए ना यही तो पता होना चाहिए ट्रांस इन्फ्लुएंस सीरीज का ऑर्डर अगर आपको पता पीछे देखो देखो यहां दोनों में तो प्रॉब्लम नहीं है ना आपको प्रॉब्लम इन्हीं दोनों में होनी चाहिए इसमें इसमें बाकी यहां तो आप क्लियर हो ध्यान सुनो देखो इधर सुनो ट्रांस इंफ्लुएंस सीरीज का ऑर्डर क्या है यहां लिखता हूं मैं ट्रांस इंफ्लुएंस सीरीज का ऑर्डर ये है सीएन आई बी आर सीएल इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ना बी आर सीएल तो मैंने पहले भी उसे लिखा था इन दोनों में आपको होना चाहिए सीएन और आई में से सीएनआर आई में से कंपेयर तो सी एन आई में से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो कार्बन का साइज छोटा इसलिए अच्छा डोनेट करेगा इस पे पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज इस वो बैलेंस हो गया सुनो ध्यान से इन दोनों में ये अच्छा क्यों है सुनो गुड इवनिंग भैया इधर सुनो ध्यान से इन दोनों में ये अच्छा क्यों है है ध्यान सुनो मेरी बात क्या में कार्बन डोनर है यहाँ क्या है डोनर है राइट निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों पे बैलेंस हो गया मतलब चार्ज से असर नहीं पड़ने वाला कार्बन आयोडीन में से ज्यादा बेहतर इंडक्शन कौन करेगा कार्बन चार्ज दोनों पे बराबर हो गया कार्बन बेहतर इंटरेक्शन करेगा पहली चीज सेकंड कार्बन भी तो सॉफ्ट ही सेंटर है ना नो डाउट आयोडीन जो है ज्यादा सॉफ्ट है लेकिन कार्बन भी तो सॉफ्ट सेंटर है साथ में कार्बन क्या है सेकंड पीरियड का मेंबर है किसका है ये सेकंड पीरियड का तो ये ज्यादा बेहतर इंटरेक्ट करेगा कंप्रजेंट टू आई माइनस

अब अगर डोनर की बात करोगे तो एक में कार्बन डोनेट कर रहा है एक में आयोडीन तो कार्बन की जो ऑर्बिटल है वो सेकंड पीरियड की ऑर्बिटल ओवरलैप तो अच्छा करेगी ना वो अरे कार्बन आयोडीन में से कार्बन वाला बढ़िया ओवरलैप करेगा इसलिए वो थोड़ा सा बेटर डोनर हो गया कंपेरिजन टू किसके के आई माइनस के राइट ये कहा लिखा है बेटा कि जो पाई एक्सेप्टर होगा वो सिग्मा डोनर नहीं होगा बोलो ये कहां लिखा है जो पाई एक्सेप्टर होगा वो सिग्मा डोनर नहीं होगा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत अच्छा पाई सिग्मा डोनर होता है बहुत अच्छा पाई एक्सेप्टर भी है वो तो आप पाई एक्सेप्टर को कंपेयर मत करो ठीक है राइट इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जो पाई एक्सेप्टर होता है वो अच्छा सिग्मा डोनर नहीं होता बिल्कुल गलत बात ही है ठीक है हाँ गुड वेद प्रकाश इफेक्टिव ओवरलैप की बात मैं कर रहा हूं कार्बन सेकेंड पीरियड का मेंबर है आई माइनस किसका मेंबर है

बोलो हाँ बिल्कुल तरुण सही बात है कोई भी लिगेंड जो होगा ना पहले सिग्मा डोनर होता है वो पाई पाई डोनर तो बाद में होगा वो हो। किसी को डाउट हो तो बोलो सीए देखो यहां तो प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तो बी आर आई हो गया पहले था सॉफ्ट भी नहीं है बड़ा साइज है छोड़ दो इसको यहां पर आयोडीन आयोडीन फेवर होना नहीं चाहिए आयोडीन सिर्फ फेवर अपने सॉफ्ट कैरेक्टर की वजह से होता है सी एन माइनस में फिर से मैं एक बार समझा रहा हूं आई माइनस बेटर इंटरेक्ट सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज और सॉफ्ट करेक्टर की वजह से करता है बाकी इतने बड़े एटम से इतना बढ़िया इंटरेक्शन नहीं होता लेकिन क्योंकि वो सॉफ्ट सेंटर है तो सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन फेवरेबल होता है इसलिए प्लेटिनम को फेवर करता है वो अगर आप आई माइनस का सी एन माइनस से कंपेयर करोगे तो चार्ज दोनों पे सेम सी एन भी सॉफ्ट आई माइनस भी सॉफ्ट नो डाउट आई माइनस थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट है

कौन से लिगेंड की प्रेजेंस में स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और किस लिगेंड की प्रेजेंस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम यह मैंने इधर सीरीज लिख दी है ऑर्डर लिखो जरा और यह इफेक्ट से ही रिलेटेड है टॉपिक ये ठीक है अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा मैं आपको बताओ सी एन माइनस आई माइनस बी आर माइनस माइनस किसकी प्रेजेंस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और किसकी प्रजेंस में स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी सीएन में सबसे ज्यादा होगी क्या कर रहे हो आप जितना बढ़िया इसकी ट्रांस इंफ्लुएंस पावर होगी ये बॉन्ड उतना वीक होगा यही तो पढ़ा हमने जितना स्ट्रॉन्गर ट्रांस इंफ्लुएंस पावर पीटी एच बॉन्ड उतना वीक स्ट्रांगर द ट्रांस इंफ्लुएंस पावर स्ट्रॉगर द ट्रांस इंफ्लुएंस पावर ट्रांस इंफ्लुएंस पावर बीकर द बॉन्ड और बॉन्ड जितना बीक होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी कम होगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी लेस लेस हाँ सबसे ज्यादा किसमें होगा ऑर्डर उल्टा होता है ना इसका तो सबसे ज्यादा किसमें होगा C L माइनस B R माइनस I माइनस C N माइनस ठीक है सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी C L माइनस के लिए सबसे कम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी C N में कम अच्छा C N में कम लिखा है अच्छा कम लिखो ठीक है भैया ठीक है ठीक है ओके ठीक है फिर सही है आप ठीक है सीएन में सबसे कम Cl में सबसे ज्यादा बताओ ऐसे क्वेश्चन आएगा कर लोगे आप ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे अब मैंने तो आपको एक एग्जांपल बताया ऐसे तो हमने जो ट्रांसुएंस रही लिखे उसमें से कोई भी लिखन उठा लेगा है ना कर लोगे ना तो आप ऑर्डर बता सकते हो स्ट्रचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर बता सकते हो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बता सकते हो बता सकते हो ना इसी से एक सवाल और देखो ध्यान सुनो यही था ना हमारे पास पीटी हाइड्रोजन एक्स पीईटी थ्राइज पीईटी थ्राइज आपको पता है मेटल जब हाइड्रोजन से जुड़ा होता है तो जो इसका डेल्टा वैल्यू आता है किसमें आता है वो नेगेटिव में ये तो पढ़े हो ना आप जब हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा होता है तो में जो इसकी डेल्टा वैल्यू आती है वो निगेटिव आती है क्योंकि मेटल क्या करता है इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा समझ लो क्यों मेटल इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास होगी उतना ही क्या होगा ये शील्डेड जितना ज्यादा ये शील्डेड होगा उतनी क्या आएगी नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा दैट इज केमिकल ये आप पढ़े हो एनवायरमेंट में इतना ये पढ़े होंगे जब हाइड्रोजन जो होता है जितने ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव सिस्टम से जुड़ेगा वो उतना ही सील्डेड हो जाता है और जितना ज्यादा सील्डेड होगा उसकी वैल्यू उतना ही क्या जाएगी निगेटिव की तरफ जाएगी ये पढ़े होगी नहीं अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो ना भैया तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए राइट बेसिक चीजें तो आनी चाहिए आपको ठीक है ना ध्यान से देखो यहां पे सी एन माइनस है यहां पे आई माइनस है यहां पे बी आर माइनस है यहां पे CL माइनस इन सबके लिए जो डेल्टा वैल्यू आएगी वन एच एन आर में जो हाइड्रोजन की डेल्टा वैल्यू आएगी डेल्टा हाइड्रोजन वो क्या निगटिव। निगटिव आएगी नेगेटिव नेगेटिव आएगी ठीक अब आपको बताना है कि जो ये डेल्टा एच होगा ना डेल्टा हाइड्रोजन ये सबसे ज्यादा नेगेटिव किसमें आएगी ये वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होगी सीएन माइनस के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगी आपको बताना है जो डेल्टा हाइड्रोजन का ट्रेंड होगा यहां पे लिखता हूं मैं नेगेटिव वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए आएगी जब सी एन होगा जब आई होगा जब बी आर होगा जब सीएन होगा नेगेटिव सबके लिए आएगी सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए आएगी गुड हाँ ध्यान सुनो सी में क्या होगा मैक्सिमम डोनेशन राइट अब ध्यान सुनो पहले चीज समझो इधर इधर सुनो इधर सुनो इधर देखो इधर देखो प्लेटिनम है समझने की कोशिश करो देखो गड़बड़ मत करना ये लिगेंड है ये जितना बढ़िया इंट्रेक्शन करेगा ध्यान सुनो जितना बढ़िया इंट्रेक्शन करेगा मेटल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर की तरफ आ जाएगा क्या जाएगा इसकी तरफ शिफ्ट भाई ये जितना बढ़िया इंटरक्शन करेगा मेटल का इधर बढ़ेगा ऐसे बोल सकते हैं इसका जो ऑर्बिटल ऑर्बिटल है है वो उतना ही इधर की तरफ आएगा जितना इधर की तरफ आएगा इसका मतलब मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ही किसकी तरफ जाएगी इसकी तरफ तो इधर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी कम लेक्ट्रॉन डेंसिटी तो यहां अगर हाइड्रोजन में लिख दू यही तो हमने पढ़ाया था कि एक्सिस पे ऑर्बिटल है अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम अच्छा सिग्मा डोनेट करेगा तो जो मेटल की ऑर्बिटल है उसका लार्जर पोर्शन, उसका लार्जर पोर्शन किसकी तरफ चला जाएगा लिगेंड की तरफ जिस लिगेंड की तरफ लार्जर पोर्सन जाएगा इसका मतलब इधर का बॉन्ड क्या हो जाएगा कमजोर

ऐसे समझ लो कि ये प्लेटिनम है इधर भी इंटरेक्शन करता है इधर भी इंटरक्शन करता है अगर ये पर्टिकुलर सिस्टम इधर की तरफ इंटरक्शन करेगा तो इसका जो लार्जर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो इधर तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऑर्बिटल कॉफिशियंट कम हो गया ना यस yes या नो बोलो ध्यान से सोचो सारे लोग जवाब देना सब लोग जवाब देना करो फिर से सुन लो एक बार ट्रांस में जो लिगेंड प्रेजेंट है वो जितना बढ़िया इंट्रेक्शन करेगा जितना अच्छा ट्रांस इंफ्लुएंस पावर होगा मेटल की जो ऑर्बिटल है उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा उस लिगेंड की तरफ चला जाता है अगर मेटल की ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन चला गया तो इधर की तरफ तो मेटल की ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कम हो गया ना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन कम होने का मतलब इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी इसका मतलब डेल्टा वैल्यू क्या आएगी ज्यादा आएगी तो माइनस में डेल्टा वैल्यू क्या आएगी सबसे ज्यादा हाईएस्ट हाईएस्ट मतलब लेस नेगेटिव और CL- माइनस में क्या आएगी लोवेस्ट लोवेस्ट मतलब मोर नेगेटिव और अगर आप नेगेटिव के टर्म में लिखोगे तो सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए CL- माइनस बी आर माइनस आई माइनस माइनस तरह से आप प्रोटॉन एनएमआर से भी ये बता सकते हो ठीक है थैंक यू भैया सम्राट थैंक यू बस सीखो आप ठीक है कोई डाउट हो तो पूछो आप वही कॉन्सेप्ट मैंने जो पहले बताया था कि अगर

डेल्टा की वैल्यू उतनी ही कम निगेटिव आएगी या उतनी ही ज्यादा ज्यादा पॉजिटिव आएगी तो इसीलिए में में कम है CL में है ठीक है माइनस ठीक ना मैं सोचा था ट्रांस इफेक्ट भी खत्म होगा बट कोई नहीं तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ट्रांस इन्फ्लुएंस ही पढ़ पाए ठीक है कल मैं आपको कैनेटिक ट्रांस इफेक्ट पढ़ाऊंगा ये क्या था ये थर्मोडायनेमिक वाला पैरामीटर है और दूसरा क्या है कैनेटिक पैरामीटर है ठीक

तो हमने आज ट्रांस इन्फ्लुएंस की बात खत्म की क्या हमने कंक्लूजन निकाला कि ये ग्राउंड स्टेट पे सर डालता है मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब चाहे आए चाहे ना आए ये हमेशा ऑपरेट रहेगा जितना बढ़िया डोनेट करेगा जितना बढ़िया ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर होगी लिविंग ग्रुप का बॉन्ड उतना कमजोर होगा और जनरली वो जल्दी से निकल जाएगा राइट right? ठीक है जनरली मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि रेट जो है ना सिर्फ ट्रांस इन्फ्लुएंस पे डिपेंड नहीं करती रेट डिपेंड करेगी दूसरे वाले इफेक्ट जो कैनेटिक ट्रांस इफेक्ट है जो मैं कल पढ़ना है दोनों को मिला के रेट डिसाइड करते हैं लेकिन कॉमनली ये देखा गया है कि जब ट्रांस इन्फ्लुएंस पावर ज्यादा होती है तो रेट ज्यादा होती है लेकिन जब भी आप ओवरऑल प्रेडिक्ट करोगे ना तो आप ट्रांस इन्फ्लुएंस और ट्रांस कनेटिक ट्रांस इफेक्ट जो हम कल पढ़ेंगे उन दोनों को मिला के पढ़ोगे ठीक है मैं बार बार दूसरे वाले को कनेटिक ट्रांस इफेक्ट क्यों बोल रहा हूं क्योंकि कल आप देखना जो दूसरा वाला फैक्टर है वो एक्टिव वो ट्रांजिशन स्टेट पे असर डालेगा ये ग्राउंड स्टेट पे असर डाल रहा है

उस पे असर डालता है किस पे टीबीपी इंटरमीडिएट पे यहां मैंने टीबीपी का नाम लिया क्या नहीं मैंने क्या ट्रांजिशन स्टेट का नाम लिया क्या नहीं मैंने सिंपल इतना बोला कि बॉन्ड कमजोर हो जाएगा वो किस पे असर डालेगा वो असर डालेगा ट्रांजिशन स्टेट पे ये फर्क है दोनों में ठीक है तो कंफ्यूज मत होना दोनों में अरे नहीं हाँ बिल्कुल अरे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी डोंट बस आप इसको अच्छे से पढ़ो और हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसे ठीक से करना ठीक है राइट right? जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा मैं ढंग से ही पढ़ाऊंगा आपको मतलब ढंग से मतलब कोशिश करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ठीक से पढ़ाऊं जितना मुझे आता है ठीक है चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं राइट मॉर्निंग की क्लास हम लोग बाय ऑर्गेनिक में हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर लेंगे कल जिससे नेट का सारा क्वेश्चन डिस्कस हो जाए हम हम लोगों ने वो वाला कर लिया है

ओके okay, भैया चलो फिर कल मिलते हैं हम लोग ठीक है राइट ओके टेक केयर गुड नाइट और कल हम लोग कनेक्टिक्ट वाला पढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ठीक है जो आप पढ़ते हो ना कि ये ले, ये लेबाइल है इसको जल्दी हटा देगा उसको जल्दी वो उसपे आएंगे डोंट वरी परेशान मत हो गुड नाइट गुड नाइट भैया खुश रहो खुश रहो खुश रहो